हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। रद्दी कागज और गत्ते की कीमतों में 70% तक बढ़ोतरी होने के कारण उत्तर भारत के पैकेजिंग उद्योग दम तोड़ने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज उत्तर भारत के प्रांतों की एक बैठक बद्दी के निकट इंडस्ट्रियल एरिया किशनपुरा में हुई, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश कोरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र जैन ने की। बैठक का मुख्य मुद्दा था पेपर मिलों द्वारा लगातार पेपर के रेटों का बेतहाशा बढ़ाना और गत्ता उद्योगों को गलत ढंग से ब्लैकमेल करना। कच्चे माल के रेट बढ़ने से गत्ता व पैकिंग के उत्पादन मूल्य में भी वृद्धि होती है और आगे वेंडर पुराने रेट पर ही माल देते हैं, जिससे गत्ता उद्योग बर्बादी की कगार पर पहुंच चुके हैं। हमारी हिमाचल प्रदेश गत्ता उद्योग की एक मीटिंग हमने होटल लिमेरिट में निर्धारित की, जिसमें हिमाचल में बद्दी, ब्रूटीवाला, नालागढ़, पौंटा साहब और कालाम और परवानू, पंजाब में लुधियाना, मोहाली, पंचकुला, हरियाणा में और जगाधरी यमुनानगर के प्रतिनिधि यहां पर पहुंचे, जिसमें हमने गत्ता उद्योगों में ये निर्धारण किया कि अब हम घाटे में काम नहीं करेंगे, बढ़े हुए रेट में माल लेकर घटे हुए रेट में माल नहीं बेचेंगे, क्योंकि पिछले 2 माह से हम लोग घाटे में उद्योग चला रहे हैं, वो नहीं चलाएंगे। आज अब हमने ये निर्धारण किया कि अगर हम स्थिति यही रही तो हम सोमवार से अगले 3 दिन तक अपना उत्पादन बंद रखेंगे, ना ही कोई माल खरीदेंगे, ना ही कोई माल हम ग्राहकों को डिस्पैच करेंगे। सरकार से हमारी लड़ाई ये है कि वो चाइना में जो पेपर एक्सपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल की शक्ल में, हम ही उनको रॉ मटेरियल दे रहे हैं और वो रॉ मटेरियल बाहर की कंट्रियों में जा रहा है। पहले स्थानीय इंडस्ट्री लघु उद्योग को चलाया जाए, फिर बाहर की इंडस्ट्रियों के बारे में सोचा जाए। मेरे ख्याल से गत्ता उद्योग के बारे में सरकार ने कोई विचार विमर्श नहीं किया, ना ही गत्ता उद्योग के लिए कोई बजट में रियायत दी गई है। एक्चुअली गत्ता उद्योग बिल्कुल एक स्मॉल टाइनी यूनिट्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स हैं और मैक्सिमम हाथ से काम करके मैक्सिमम रोजगार देते हैं। जो इसका कंट्रोल है वो जो बायर और सेलर है बहुत सुपीरियर हैं दोनों, पेपर मिल वाला और जो हम जिसको हम माल देते हैं उसके प्रोडक्ट के लिए जो हमारी वैल्यू होती है। जैसे एक आप फ्रिज पैक करते हैं, फ्रिज की वैल्यू अगर 10,000 रुपया है तो उस पर गत्ता 140 रुपये का लगता है सिर्फ। हम बहुत ही छोटे हैं, अपने आप को सर्वाइवल के लिए खुद ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी हमें अगर सरकार की सपोर्ट मिलती रहती है तो ये उद्योग बहुत अच्छा, बहुत फ्लरिश करेगा। इस समय सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हमारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है और हमारे पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम है, हम मजबूर हो गए, इसको बंद करने के कगार पर आ गए। सरकार का मैंने वही बताया कि इसकी कीमत बहुत कम है बड़ी इंडस्ट्री के मुकाबले में, लेकिन फिर भी हम रोजगार मैक्सिमम देते हैं। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी।